भगवानपुर बाल विकास परियोजना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाल विकास परियोजना भगवानपुर में 3000 चढ़ावा की राशि नहीं चढ़ाने पर बाल विकास परियोजना भगवानपुर की सुपरवाइजर लीला कुमारी ने केंद्र संख्या 125 आंगनबाड़ी सेविका रमा कुमारी के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि बाल विकास परियोजना कार्यालय भगवानपुर में सोमवार को बाल विकास परियोजना की एलएस लीला कुमारी के द्वारा सेविका रमा कुमारी के साथ घुस की राशि नहीं देने पर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में इलाजरत संजात निवासी सेविका आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 125 की रमा कुमारी ने बताई कि वाउचर जमा करने के बदले महीनों दिन से बाल विकास पदाधिकारी अर्चना कुमारी एवं सुपरवाइजर के द्वारा हमें 3000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसके देने से हमने साफ इनकार कर दिया, जिस पर हमें सुपरवाइजर लीला के द्वारा बार बार किसी चीज से फंसा कर चयन मुक्त करने की धमकी दी जा रही थी। आज जब मैं बाल विकास परियोजना कार्यालय भगवानपुर आई तो सुपरवाइजर लीला कुमारी ने मुझे बोली कि वाउचर लाई हो, तो मैंने कहा कि नहीं लाई हूँ। तो उसी पर लीला कुमारी सुपरवाइजर बोली कि रुपए लाई हो, तो मैं बोली नहीं लाई हूँ। इसी बात को लेकर हमारे साथ सुपरवाइजर लीला अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए मोबाइल छीनने लगी, जिसका मैंने विरोध किया, तो सुपरवाइजर लीला गुस्से से आग बबूला होकर मारपीट करने पर उतारू होकर हमारे साथ मारपीट की। वही मेरा स्थिति खराब हो गया और मैं गिर गई। तभी कुछ आंगनबाड़ी सेविका ने मुझे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर लाई, जहां इलाज चल रहा है। वही आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 71 की वीना कुमारी ने बताई कि CDPO अर्चना कुमारी वाउचर जमा करने के बदले 2500 रुपए मासिक मांग करती है, वही सुपरवाइजर लीला कुमारी 3000 रुपए का डिमांड करती है। इस घटना पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने विरोध जताई है और लीला कुमारी सुपरवाइजर पर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं इस संबंध में CDPO अर्चना कुमारी से संपर्क किया गया तो उनका मोबाइल ऑफ पाया गया। वहीं सुपरवाइजर लीला बात करने पर वे सारी बातों को निराधार बताई। वहीं इलाजरत सेविका को देखने युवा कांग्रेस बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश गरीबदास एवं जिला पार्षद दिनेश चौरसिया हॉस्पिटल पहुंचे और सेविका के साथ मारपीट मामले का कड़ी निंदा करते हुए दोषी कर्मियों पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पर दर्जनों सेविका उपस्थित थे। ये मारपीट की जो घटना अभी घटित हुई है, ये अभी सेविका के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि यह जो अभी सरकार है, यह सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मतलब हम देते हैं बच्चा को खाने पीने के लिए, उसमें जो अफसर शाह जो है वो उसमें अपना कमीशन लेता है, इसलिए सेविका जो है वो ठीक रूप से बच्चा को नहीं दे पाते हैं। जो देख रहे हैं मेरे घर में, ये रुपए लेन देन का कुछ मामला सामने आ रहा होता है, जो अफसरशाही है, ये अफसरशाही नीतीश जी की सरकार में चरम सीमा पर है। रुपए नहीं देने के बदले जो मार्केट की गई है, के बदले इनके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या लगता है आपको? आप क्या कीजिए? हमको भी बुरा लगता है इस पर। हम चाहिए इन लोगों को सब सबका साथ सब मिल करके इस पर अपना हल्ला बोले, इस पर तो संघर्ष करें और ये भी बच्चा को ठीक रूप से दें। हम लोग तो ये चाहते हैं। क्या कार्रवाई होना चाहिए उक्त सेविका? कार्रवाई इस पर तो FIR होना चाहिए, इस पर सरकार को हम लोग को भेजना चाहिए। सरकार को इस तरह क्यों हो रहा है? कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई की मांग होनी चाहिए। नाम क्या हुआ आपका? दिनेश चौरसिया, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 का है। मारपीट की गई है, उस पर आपका क्या कहना है? क्यों मारपीट आखिर होता है बताइए। अभी जो मारपीट हुआ ना, हम लोग ऑफिस में आए चावल लेने के लिए, तो हमको CDPO मैडम बोली कि चावल थोड़ा बैठ के हम वितरण करवा दीजिए। तो हम लोग ऑफिस में कार्यालय में अंदर में जिस हॉल में बैठक होता है उस हॉल में हम लोग क्या कहते हैं चावल वितरण करवा रहे थे। ये जो घटना हो रहा था LS के रूम में हो रहा था। LS के रूम होते होते क्यों घटना होता, आखिर ये घटना क्यों होता है? घटना हो रहा है, रामा बताएगी ना, बिना पैसे के लिए हो रही है। कितना रुपया का महीना वाउचर का, कितना महीना आप लोग से डिमांड किया जाता है? 2500 के क्या जाता है, एक्स्ट्रा 500 रुपया मांग रही है। 3000 अच्छा, 2500 पर मंथ देना है, जबकि 10000 कुछ रुपए THR दिया जाता है। लेकिन इस बात पर मान नहीं रही है। पर मंथ आप लोग ये दे रहे हैं, किनको देते हैं आप रुपया, किनको देते हैं? LS को साथ LS को देते हैं, LS देते हैं CDPO को। अच्छा, LS कौन कौन है यहाँ पे? LS है ना, क्या कहते हैं, लीला कुमारी है, इंदु कुमारी है, किरण कुमारी है, कृष्णा कुमारी है। सभी LS रुपए की मांग करती है? सभी नहीं, वो डिमांड करती है जो मैडम मांगी है उतना दो। अच्छा। लेकिन एक लीला क्या लगता है आपको, ये रुपए का जो ये बंदर बांट होता है कहाँ तक रुपया पहुँच रहा है? ये
हमको ये पता नहीं है कहाँ तक पहुँच रहा है। सीडीपीओ तक रुपया पहुँचता है? सीडीपीओ तक पहुँचता है। नाम क्या हुआ आपका? अंजलि कुमार। केंद्र संख्या क्या है? 10। मैडम 25 मांगती है, 30 मांगती है पर महीना जी। केंद्र संख्या क्या है? केंद्र संख्या किनके द्वारा रुपया का मांग किया जाता है? एलएस के द्वारा। और सीडीपीओ मैम कौन है? अर्चना कुमारी। कितना का आप लोग से डिमांड किया जा रहा है? 3000। नहीं देने पर मारपीट किया जाता है? वही तो हुआ है, वही पैसे के चलते मारपीट हुआ है। क्या हुआ? वो बोली वाउचर लाए, बोले पैसा लाए, बोले ना मैडम नहीं लाए हैं पैसा। किनके द्वारा ये मांग किनके द्वारा किया जा रहा है? रीला मैडम के द्वारा हुआ। सीडीपीओ तक रुपए पहुंच रहा है जी? हां तो वही जाता। केंद्र संख्या क्या है आपका? 41। बता दीजिए मैडम, आप बता दीजिए। हां सर, कितना का डिमांड, कितना का है डिमांड? 3000 का हम लोग से किया जाता है। टीएचआर कितना मिलता है पर महीना? 10,350 रुपया। 3000 देंगे फिर बच्चे को क्या देंगे आप लोग? वही ना सोचिए, हम लोग बच्चे को कहाँ से देंगे? विरोध किया तो मार खा, इसी का विरोध तो वो की आज विरोध वही नहीं हुआ। हम नहीं दे पा रहे इस बार, तो हम लोग को कटिंग करके चावल का पैसा काट करके 10,350 मिला, हम कहाँ से आपको देंगे? कहाँ से बच्चों लोग को 15 तारीख से स्कूल खुल रहा है, उसमें बच्चों को हम क्या खिलाएंगे? किसी भी बच्चा को 4 घंटा अपना दरवाजा पर रखेंगे और कहेंगे कि हाँ आप चल जाइए सूखे पे, तो वो जाएगा? या कोई बच्चा भी डर जाएगा, हम क्या खिलाएंगे, क्या रखेंगे? अच्छा, तो केंद्र संख्या क्या है आपका? केंद्र संख्या 94। कितना का है पैसा, कितना का डिमांड, कितना मिलता है, क्या बच्चे को क्या देते हैं? ऑफिस में गए, बाहर निकाली, ऑफिस से बाहर निकाल के बोली भाउचर लाए हैं, बोले नहीं मैडम भाउचर नहीं लाए, खर्चा नहीं लाए, बोले नहीं मैडम इंदू मैडम को सेक्टर है तो इंदू मैडम को नहीं देंगे, सबसे बेकार बोले इंदू मैडम को देंगे, तो बोल रही है ना इंदू मैडम नहीं लेगी, हम लेंगे भाउचर, तो इंदू मैडम बोली हम ही को लेने के लिए। मैं सही बोली, उसके बाद मोबाइल देखिए, मोबाइल देखे, मोबाइल देखे, बोले मैडम मोबाइल क्या देखिएगा, हम कुछ नहीं किए हैं, रुपया घिचले घिचले हमारा अंदर ले ले गई जी, नाम दी थी वहाँ एकदम पूरा एकदम कर लेती है। हम बोले मैडम कुछ नहीं किए, रुपये खोलते धकेलने धकेलने ठीक कर लेते हैं, घीच के बिना दी ले ली मोबाइल, मैडम दीजिए ना मोबाइल, किसके द्वारा आपको धक्का, किसके द्वारा दिया गया? बार बार हमको कहती है जी आप सबका लेके एक जगह करके दे दिया। लीला कौन है, लीला कौन है? ये एलएस है। उनका क्षेत्र कौन सा है सर? उसका पहले क्षेत्र था सितंबर अगस्त में, 16 सितंबर में था, 16 अक्टूबर के ग्रुप में लेटर गया सेक्टर 1 इंदू मैडम का, इंदू लीला मैडम बार बार हमको फोन करके कह रही थी हमको भाउचर दीजिए, इंदू मैडम गई एक दिन सेंटर तो बोली। आपका परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है? मैं रामा कुमारी। रामा कुमारी जी। केंद्र संख्या क्या है आपका? 125। जगह का नाम संजात है। रुपया मांगा गया आपसे? वही मांग रही है भाउचर। वाउचर के लिए आपसे रुपया का डिमांड किया गया, किसके द्वारा डिमांड किया गया? लीला मैडम बोल रही है जी सर दीजिए। पैसा कितना का डिमांड किया गया? 3000 का। पहले से भी आप लोग देते आ रहे हैं? इतना नहीं दिए थे, कुछ कम दिए थे। और अभी एक्चुअली है क्या, अभी जो है मतलब रुपए भी रकम भी कम हो गया था, आधा हो गया है, 10,000 के। हाँ कम मैडम, कम हो गया तो आप लोग कम लीजिएगा। अच्छा अच्छा, रुपए आप लोग सब दिन से देते आ रहे हैं। धक्का किनके द्वारा दिया गया था अभी? लीला मैडम के। लीला के द्वारा। आप मौजूद थे वहाँ पे, क्या घटना घटा इनके साथ? छुड़ाते छुड़ाते हरवन हो गए, तब हम रोने लगे जब मार देगी इनको, मार देगी। वो कहती हमको कि जब अथी तुम कहा कि चुप पड़ती है, तुम कहा करे कहे नहीं पड़ेंगे मैडम, वो कहते नहीं देंगे मोबाइल, क्या कीजिएगा क्या कीजिएगा, मोबाइल दही नहीं रही थी, लंबी तगड़ी है, हम दोनों को नचा लेती, तब इसको धक्का उक्का दे के तभी गिर गई,
हम रोने लगे जब मार दिल। अच्छा आप लोग सेविका है, अभी कितना रुपए का THR आ रहा है? 10,300। पहले तो लगभग 20-21,000 रुपए का पहले आता था। उस समय आप लोग कितना रुपए देते थे परियोजना में? कुछ कम देते थे। अभी कितना का डिमांड किया जा रहा है? 3,000 रुपए। किसके द्वारा मांगा जाता है? CDPO मैडम 25 कहती है, ये कहती है 3,000। CDPO मैडम 2500 बोलती है। CDPO मैडम का नाम क्या है? अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी, आप लोग दे रहे हैं, एक दो महीना दिए हैं क्या? अच्छा आपका केंद्र संख्या क्या है? 71। और रुपए नहीं देने के एवज में मारपीट की गई है जी। नाम क्या हुआ आपका? रीना कुमारी। क्या स्थिति है मैडम, इनका स्थिति क्या है अभी? इनका स्थिति उस समय आए तो थोड़ा विशेष था, धड़कन बहुत तेज था, बेहोश अवस्था में थे। तो उस समय हम डॉक्टर साहब के बुला के लाए, डॉक्टर साहब भी देखे, इनका बीपी ठीक था, धड़कन इनका बढ़ा हुआ था। फिर सलाइन उलाइन लगाए, फिर बाहर से कुछ दवा मंगवाया गया, यहाँ कुछ उपलब्ध नहीं था तो फिर दिया गया। अभी क्या स्थिति है? अभी थोड़ा कुछ नॉर्मल। नाम क्या हुआ आपका?